वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। महारे सच्चे पातशाह जी की कृपा नाल आपां संगत रूप में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की शरण में जुड़ रहे हाँ और सिमरन करते हुए कोशिश कर रहे हैं कि असी सच नाल निरंकार दे नाल अपने मन नूं अपनी सुरत नूं जोड़ सकीए, क्योंकि वार वार गुरबाणी में आपां सरवण कीता है कि जद तक मन सच की खोज नहीं करता, सच की पछाण नहीं करता, अपने मूल नूं नहीं लभदा, उहदा संसार दे विच आउणा व्यर्थ है। जिसां हुण आ मन है जो संसार दे विच खेल रहा है, संसार दा खेल है, जिथों पाउण शुरू होंदी है, सच तों जदों पाउण प्रगट होई उदों संसार दा खेल शुरू होया। साचे ते पवना पाया। इसे तरह मन का संसार दे नाल संबंध उदों जुड़ता है जदों मन पौन दे विच आउंदा है, पौन दे संपर्क विच आउंदा है। पौन दे नाल जुड़न ते इधर संसार का खेल शुरू हो जाता है। जिथे मन खेलता है पाउण दे इलाके विच इनू काल दा देश कहिंदे ने। हुण काल दे दायरे दे विच मन उन्नी देर रह सकता है जिन्नी देर तक पाउण चलती है जां इहदा पाउण नाल संपर्क है। आखिरकार ये जिहड़ी पौण है, ये जिहड़े स्वास ने, ये खत्म हो जाते ने, मुक जाते ने। मन नूं आ इलाका छड्डना पैणा है। जदों मन ने इस इलाके नूं छड्डना तां कित्थे जाणा है इसने? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਰਜੋ ਗੁਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਰਜੋ ਗੁਣ ਤੋਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਮੋ ਗੁਣ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ते तमो गुण तो कदे कदे सतो गुण ते। हुण मन इत्थे वार वार जा रहा है। ये जिहड़े त्रै गुण ने इन्हां दा काल दे नाल संपर्क है, ये पौण द्वारा ही शुरू हुंदे ने, ते पौण तां हौली हौली खत्म हो रही है, सवास कट रहे ने। ते जदों ये श्वास रुक गए, ये खेल खत्म हो गया, ते मन इस काल दे इलाके नूं छड्ड के कित्थे जाएगा? उस वास्ते आपां गुरु दे नाल विचार करनी है, पुछना है।
मारे कहिंदे ने अगे क्या जाना नहीं, अगे जिथे जाना है उहदा हुण सानू नहीं पता। मैं भुले तू समझाए भी तुसी सानू दसो समझाओ, ते जे हुण दसणगे सानू जे असी पुछांगे तां, ते जे असी इत्थे ही मन इत्थे ही तुरिया फिरेगा वो पुछेगा ही नहीं। हुण बहुत सारे जिहड़े ने वो अगे बारे खोज नहीं करदे, पुछदे नहीं, विचार नहीं करदे। की करदे ने? खाना पीना हसना सौना विसर गया है मरना, खसम विसार खुआरी कीनी त्रिग जीवन नहीं रहना। वांदे खा रहे ने पी रहे ने हस रहे ने खेड रहे ने, पर उन्होंने चेता भुल गया भी असी अगे भी जाना है। हुण जिहड़ा ये भुल जाता है, जे ये मन भुला होया है, इस नूं मारे कहिंदे ने मनमुख। ये हुण इत्थे तां विचरदा पिया है, पर जिन्नी देर तक सुआस ने, खा रहा पी रहा है खुश हो रहा है, पर अगे जाण दा चेता भुल गया है, ये पुछदा भी नहीं है। ये गुरु कोल आउंदा है पर पुछदा नहीं है। आपां हुण आए हैं सारे गुरु दी शरण विच, आपां पुछना है अगे क्या जाना नहीं। मैं भुले तू समझाए, भुले मार्ग जो दसे तिसके लागू पाए। हुण जदों असी पुछदे हाँ ते महाराज समझाउंदे ने, जदों ये पौण खत्म हो जाती है, पौण तो उपरले पासे सुन है। हुण इस सुन बारे कदे भी सानू दस्या किसे ने भी जदों ये पौण रुक जाती है, मन पौण नूं छड्ड दिंदा है, ते उह किथे जांदा है? सुन विच। हुण बहुत सारे जीवां नूं सुन दा नहीं पता, सुन की है? जिस हमारे गुरबाणी में समझाउंदे ने कि जदों मन ने पौण नूं छड्डना है ते सुन विच प्रवेश आउणा है, ते कहिंदे जिथों सुन शुरू हुंदी है ये तुहाडा इलाका है, इथों मन दा घर शुरू हुंदा है। हुण मन दे घर बारे गल दस दिंदा, अगे दी गल है। पातशाह कहिंदे ने सतगुर ते पाए विचारा, जदों विचार होई गुरु दे नाल सतगुर दे नाल ते की पता लगा? सुन समाद सच्चे कर बारा, कि मन दा जिहड़ा घर है वह सुन है। असी कहा भी ठीक है, जदों मन ने पौन नूं छड्डना ते कित्थे जाना है? सुन विच, क्योंकि यह बहुत जरूरी विशा है। असी इधर गल्लां मारी जांदे हां, आ मनमुख जिहड़ा है ना इधर बहुत गल्लां जानदा है, उहनूं रजोगुण बारे बहुत पता है। रजोगुण हुंदा है अर्थचारा, रुजगार का साधन,
ये कोल रुजगार दियां पैसा कमाउण दियां बड़ियां स्कीमां ने, ये तुहानूं थां थां ते मिल जाणगे, तुहानूं दसणगे भी तुहाडा पैसा मल्टीप्लाई किवें हुंदा है, किवें तुसीं पैसा मल्टीप्लाई कर सकते हो। 2 लाख नूं 4 लाख, 4 लाख नूं 8 लाख, 8 लाख नूं 16 लाख, ये तुहानूं बड़ियां स्कीमां दसणगे। ये रजोगुणी दे बड़े ज्ञान हुंदा है ना, कई हुंदे ने तमोगुणी, जिहड़े तमोगुणी हुंदे ने उहनां दे अंदर हुंदे ने विकार दुबदा, वो तुहानूं सिखाउणगे भी किवें नपणा है किसे नूं, जे तुहाडे वल कोई ऐं वेंदा है किवें उस नूं तुसीं ऐं करना है, किवें किसे नूं मारना है, किवें किसे नूं नुकसान करना है, किवें किसे नूं चोरी करनी है, सन लाउणी है, वह भी बड़े सलाह देणगे। कई सतोगुणी होणगे, वह बाहरी तौर पर धार्मिक चीज़ां नाल जुड़े होणगे, बाहरी तौर पर धार्मिक एक्टिविटी करनगे, पर उन्हां दा ध्यान रजोगुण ते होएगा। जो तुहानूं सलाह देणगे वह कहणगे भी तुहाडा जे आ काम नहीं बणदा ते नंगे पैरी उत्थे जाओ, इन्ने दिन इस चीज़ का जाप करो, इन्ने दिन इस माला का जाप करो, तुहाडा काम बन जाएगा। लेकिन ध्यान इत्थे रखणगे वो अपना। ऐसा दे संसार विच बहुत ने, हौली हौली मन जिहड़ा परपक हो जाता है इत्थे, वो इत्थों निकलना ही नहीं चाहुंदा, वो अपने घर की सच की खोज नहीं करना चाहता। जे कि उसनों कोई गुरमुख मिलता है तो पुछता है भी संसार में आए हो, इतने स्वास खत्म हो जाने ने, अगे जाना है, अगे की कोई गल सुनाओ, उत्थे किवें आना जाना बनाया है तुसीं, ते इहने परपाकी इन्ना कीता हुंदा है इस मन ने, वह कहिंदा है अगे तां कुछ है ही नहीं है, अगा किहड़ा किसे ने देखिया है, उहदा इह सवाल हो जाता है भी अगा किहड़ा किसे ने दस्सिया, उहनूं पता ही नहीं अगा की है। हुण जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी है इह सानूं अगा दिखा रही है कि जदों मन ने इस पौन नूं छड्डना ते अगे जाना है सुन विच। ये जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी है सारी ही इस अवस्था दे विच लिखी हुई है। यह सुन है, इहनूं चौथा पद भी कहिंदे ने। यह जिन्नी भी बाणी है चौथे पद की बाणी है, यह इत्थों दीआं गल्लां नहीं हन। हुण तुसीं बाणी पढ़ो, जदों बाणी पढ़ोगे चौथे पद की गल चलेगी। आम जीव फसिया हुंदा है इन्हां तिन्नां गुणां विच, वह बाणी की तुक लैके ते उहदे अर्थ इत्थे करदा है, कोई बाणी की तुक लैके इत्थे अर्थ करदा है, त्रै गुणां दे विच चौथे पद की सार नहीं जाणदा। ते बाणी विच फरमाउंदे ने, त्रै गुण सभा धात है, पढ़ पढ़ करे विचार, मुक्त कदे ना होवी ना पाए मोख द्वार। हुण गुरबाणी उन्हां गुरमुखां दी है जिहड़े इन्हां तिन्नां गुणां नूं पार करके चौथे पद विच गए ने, ते चौथे पद विच जदों उन्हां ने असुन विच बैठ के अपनी शुरत नूं शब्द दे नाल जोड़िया, सच की खोज की, सच दे सन्मुख होए, ते उथों दियां अगम दियां गल्लां, परमात्मा दियां गल्लां उन्होंने सानू दसनिया शुरू कर दित्तियां।
तो इस करके इस बाणी नूं कहिंदे ने इह ब्रह्म दी विचार है, इह अगम दीआं गल्लां ने, इह निरंकार दी उस्तत है। तो सानूं समझाउंदे ने कि लोग जाने इह गीत है, इह तो ब्रह्म विचार, ये ब्रह्म दी विचार है, ब्रह्म दा भेद है सारा। ये चौथे पद की सारी कहानी दसी हुई है। तो सानू दसते ने कि जे तुसी भी सुख लैना चाहते हो, इन्हां बंधनां तो मुक्त होना चाहते हो, सच की खोज करना चाहते हो, तो गुरबाणी दे विच जो अगम दा भेद दिता होया है उसनूं सरवण करो, तो तुसी भी जीवन मुक्त हो जाओगे। तो पातशाह समझाउंदे ने अगम अगाध पारब्रह्म सोए, जो जो कहे सो मुक्ता होए, सुन मीता नानक बिनवंता साध जना की अचरज कथा। हुण बाणी नूं जदों आपां पुछदे हां ओह फिर आपां नूं इस तों उपर लखेल समझाउंदे ने। चौथे पद की गल हूँ जेड़ा त्रै गुणा दे विच है उहदे समझ विच नहीं आउंदी, उहदे मनन विच नहीं आउंदी। दिसा ना एक दफा किते गुरमुख गए विचरदे सी ते उहदे कोई आए ते मिले, सुन रहे सी विचार पहला बाद विच बैठे, तो कह लगे भी जिहड़ी तुसी गल करदे हो ये असल विच है नहीं है। उन्हें पुछा भी किवें, आंदा सत साल हो गए ने मैं भी बाणी पढ़ता हाँ, अमृत विच शक है भी मैं बाणी पढ़ता हाँ, तो बाणी दे विच जो दस्या होया है वह सिर्फ समझाउण वास्ते है, असल विच नहीं है। तो उन्हें उदाहरण दे दिते, वो कहन लगा जी जिस तरह ना एक टीचर है तो बच्चों नूं समझाउण वास्ते एक कहानी बनाउंदे ने भी एक खरगोश सी एक कछुकुम्मा सी, उन्होंने आपस में दौड़ लगाई, खरगोश तेज निकल गया, कछुकुम्मा हौली हौली तुरिया गया, वह अगे जाके रुख सी वह सौ गया, तो वह हौली हौली अगे लंघ गया तो जित गया। पर वह कहिंदे भी उन्होंने आपस में दौड़ तो लाई नहीं, मतलब उन्हें कहानी बनाई है समझाने वास्ते। इस तरह वह कह लगा वो अपने विचार भी उस तरह बाणी में जोड़ा सानू दस्या होया भी ये धर्मराय है, चित्रगुप्त है, साडा अग्गा है, आ कुछ है भी असल विच है नहीं, ये वैसे ही सानू दस्या होया। हुण उहदी अकल नूं देख के हैरानी प्रगट होई भी यह कैसा जीव है भी गुरबाणी नूं पढ़ के भी उस जिहड़े बचन ने उहनां नूं मंदा नहीं है। ते जदों उहदे मन की अवस्था देखी कि क्योंकि उहदा मन इस माया दे घर दे विच फसिया होया सी, ते जेड़ा मन इस माया दे घर दे विच फसिया होया उहदी हालत मारे गुरबाणी च दस दिंदे मर कहिंदे ने कूप भरियो जैसे दादरा, उहदे खूह दा डड्डू हुंदा है ते खूह दे विच जिहड़ा डड्डू रहिंदा है उसनूं बाहर दी सोझी नहीं हुंदी। कूप भरियो जैसे दादरा कछ देश विदेश ना बूझ, ऐसे मेरा मन बिखिया बबोहया कशारा पार ना सोच। हुण मन ऐसे इन्हां बंधनां दे विच काल दे इलाके विच खूह दे विच डिग्गा होया है, इस नूं चौथे पद दा ज्ञान ही नहीं है। ते इहो जिहे लोकां दी गिणती बहुत है, बहुत गिणती है।
जेड़े कहिंदे ने अग्गा नहीं देखिया सी, अग्गा हुंदा ही नहीं है, सारा कुछ तां इत्थे ही है। हुण बहुत सारे जीव ने ऐसे, ते हुण बहु गिणती जिन्हां दी होवे ते जीव देखदा है भी इत्थे भीड़ बड़ी है, वह समझते ने कि शायद जिस हुण आपां ते थोड़े जिहे बैठे हैं, ते हुण देखदे ने उह कहिंदे ने भीड़ बड़ी है, भी शायद इत्थे भीड़ बड़ी है, कुछ ना कुछ तो होएगा ही। हुण ऐसी अवस्था दे विच जिहड़े पासे भीड़ है, मूर्ख देखा देखी उस चीज़ नूं ज़्यादा सच मान लैंदे ने। जिस अजकल वोटां दा राज है ते आपां देखदे हां वोटां दा जदों इस्तेमाल हुंदा है की हालात हुंदे ने, किसा जीवन डराया जाता है, उन्हां नूं नशा दिता जाता है, वोटां पवा लईआं जांदीआं ने, कोई जित जांदा है ते जितण वाला कहिंदा मैनूं बहुत वोटां पईआं, मेरे नाल बहुत लोग प्यार करदे ने, दरअसल उहदे नाल कोई भी प्यार नहीं करदा हुंदा। वह समझदा कि मेरे वगे भीड़ बहुत है, मेरे मगर लोग बहुत ने, ते सरकार उपर जिहड़े बैठे हुए ने दफ्तरां दे विच उह कहिंदे ने इहदे नूं ज़्यादा वोटां पईआं नूं मंत्री बना दिओ, उहनूं बना दिंदे ने, पर यह नहीं पता भी इहने किस तरीके दे नाल वोटां लईआं होईआं ने। अज हुण आपां देखदे हां भी इत्थे भीड़ बड़ी है, कहिंदे ने इह जिथे कोल ज़्यादा भीड़ है इहदे कोल पता नहीं की ज्ञान होएगा, क्योंकि बहुमत का अजकल जोर है कालज विच, काल का देश है, तो काल ने यह नीति इहो जी बना दिती है। तो मारे कहिंदे ने जह मार्ग पंडित गए पाशे परिबहीर, कहिंदे जिधर नूं यह मूर्ख लोग गए भीड़ां दीआं भीड़ां तुर पईआं, एक अवकट घाटी राम की जय चढ़ रहे हो कबीर। हुण कबीर कि घाटी ते चढ़िया है, आप कबीर जी का पिछा करिए। कबीर दसदा कि मैं पौन नूं छड्डिया, पौन नूं छड्ड के मैं सुन विच गया, ते जदों मैं सुन विच गया उत्थे मेरी जिहड़ी लिव सी उह नाम दे नाल जुड़ी, शब्द दे नाल जुड़ी। हुण कबीर इस इलाके की गल करदा है, तो कबीर साहब आप पुछते हाँ, कबीर साहब कहिंदे ने कबीर उन मन मनुआ, आ जिहड़ा मन है जदों उन मन चला गया उल्ट गया, हुण उह कहिड़ी गल करदे ने। गुरबाणी नूं सिर्फ पढ़ के नहीं छड्डना आपां, कबीर साहब कहिंदे ने उन मन मनुआ सुन समाना, जदों मन उन मन विच गया पौन नूं छड्डिया ये सुन विच समा गया जाके, ते जदों सुन विच समाया ते की होया, दुबदा दुरमत भागी। इस इलाके दे विच जिहड़ी दुबदा है आ ईड़ा ते पिंगला दे विच, ये जिहड़ी पौन है ये सम नहीं हो रही, जिस करके मन दुबदा दे विच है साडा। उहदे जदों सुन विच गए ये पौन, पौन नूं छड्ड गया मन, दुबदा खत्म हो गई, विचार खत्म हो गए साडे। की होया उत्थे, हुण कोई इत्थों दी गल नहीं करदे पए भी मैं फलानी थां ते गया, थां जगह मंदिर कोई देश कोई कोठा कोई इत्थों दी गल नहीं करदे पए, हुण असीं इत्थे थावां लभदे फिरदे हाँ कि मैं फलानी थां ते चला जा, मैं फलानी थां ते जुड़ गया, मैं फलाने दे नाल जुड़ गया, किसे शरीर दे नाल जुड़ गया, किसे आकार नाल जुड़ गया, किसे धर्म नाल जुड़ गया, इत्थों दी तां गल ही नहीं करदे। उन्होंने की नहीं, वह जिथे रेंदे सी उन्होंने वह इलाका भी छड़ दिता कांशी का, उथे जुड़े ही नहीं, वो कितों की गल करते हैं। जिनी देर तक सानू एदा समझ नहीं पेगी, असी नहीं मन्नांगे, उन्नी देर तक कुछ भी प्राप्त नहीं होएगा।
कुछ भी नहीं प्राप्त हो सकता। कहते ने कबीर उन मन मनुआ सुन समाना दुबदा दुरमत भागी कहो कबीर अनुभव एक देखिया। उन्हें मैनू एक अनुभव होया प्रैक्टिकल होया मैनू राम नाम लिव लागी मेरी उथे राम दे नाम दे नाल लिव लागी राम दे नाम हुण तुसी हैरान हो गए उथे किहड़ा नाम है वो राम नाम किहड़ा है। ये पौन नूं ते उन्होंने छड़ दिता जदों पौन नूं छड्डिया ते आ भाषा ही खत्म हो गई सारी। क्योंकि आ जिहड़ी भाषा है इहदे विच परमात्मा दे नाम रखे हुए ने कोई उहनूं कुछ कहिंदा पर सुन विच तां इह भाषा ही नहीं है। वह पौन नूं ते छड्ड गए ने पौन तों उपर चले गए ने उथे किहड़े नाम दे नाल लिव जुड़ी फिर आपां इहदे ते खोज करनी है क्योंकि यह सारा खोजण दा विशा है। गुरबाणी बहुत प्रैक्टिकली वसदा है। कहिंदे ने जदों असी सुन विच गए तो राम नाम लिव लग गई साडी नाम दे नाल लिव जुड़ गई तो असी महाराज नूं पुछिया भी उस सुन विच की है तो मारे गुरबाणी समझाउंदे ने कि सुन विच शब्द चल रहा है सुन विच परमात्मा दे मुख दी जिहड़ी आवाज है वह नाम प्रगट हो रहा है उहदे नाल उह जुड़े ने ते उहनूं पाशा कहिंदे ने सतगुर ते पाए विचारा सुन समाध सच्चे करबारा नानक निर्मल नाद शब्द धुन सच रामे नाम समाइंदा। कि उत्थे सुन दे विच धुन पैदा हुंदी है वह धुन वह शब्द प्रगट हो रहा है उत्थे नाम प्रगट हो रहा है ते महाराज उत्थे नाम कित्थों आ गया। कहिंदे उह जिहड़ा नाम है वह जिहड़ी धुन है वह जिहड़ा शब्द है वह सच विचों प्रगट हो रहा है वह निरंकार दे मुख विचों प्रगट हो रहा है वह निरंकार की आवाज है उत्थे निरंकार बोलता है सुन विच। ते पाशा कहिंदे ने सुन समाध अनहद तैनाद कहन न जाए अचज बिस्माद। हुण पौन नूं छड्डना ते सुन वे जाके कहिंदे नाद नूं पकड़ो। आओ हुण आपां नाल नाल प्रैक्टिकल भी करिए सारे जणे आपां भी इस देश काल नूं इलाके नूं छड्ड के ते सुन विच बैठीए पौन तों थोड़ा जिहा उपर आसन ला के तां जो सानूं वी उह धुन जिहड़ी है वह शब्द वह नाम सुनाई देना शुरू हो। जिन्नी देर तक वह धुन नहीं सुनेगी उन्नी देर तक सानू कोई सोझी इथों की नहीं इथों का ज्ञान नहीं हो सकता। इथों का ज्ञान तो बेशक जिन्ना मर्जी हो जाए हुण इथों दियां तो जो मर्जी सुनाई जाओ एक घंटा तुसी टाइम दिता मैनू तो मैं तुहानू जो मर्जी सुना सकदा इथों जिहड़ियां मर्जी खबरां सुना दिए इथों का जो मर्जी सुना दिए। कहिंदे ने ज्ञान ध्यान धुन जाणीए अकथ कहावे सोए भी जे अकथ का ज्ञान लैना है तो सानू उस धुन दे नाल जुड़ना पवेगा जो गुरु नानक देव जी कहिंदे ने अकथ कथा ले रहो निराला भी असी उस अकथ कथा का ज्ञान दे रहे हैं अकथ कथा का भेद ले रहे हैं तो कित्थों शुरू होएगा ज्ञान ध्यान धुन जाणीए अकथ कहावे सोए। जदों इस धुन दे नाल जुड़दे हाँ शब्द नाल जुड़दे हाँ इधरला ज्ञान आता है इधरली सोझी आती है। आओ आप सारे ने उत्थे प्रवेश करना है अगे का भेद लैना है क्योंकि फिर इस तों बाद अगे आप बैठना होंदा है उत्थे जिथे सच प्रगट हो जाए। जदों धुन नूं सुनी जाओगे जोत प्रगट हो जाएगी फिर उत्थे प्रकाश विच आप बैठना है क्योंकि कल नूं आपां नूं शरीर भी छड्डना पैना है सारे नूं मरना है आपां इत्थों शरीर छड्डना है आपां इस करके कहिंदे ने उस घर नूं आपां खोजना है जो घर छड्ड गवावणा सो लगा मन माहे जिथे जाए तुद वर्तना
तिस की चिंता ना है। भी तुहानू उस घर की चिंता नहीं है तो चिंता करो, आप सारे चिंता वाले आए हैं। हुण ये तो चिंता करते नहीं ये जिहड़े मन ने इस इलाके विच, आ हुण आपां कोशिश करिए किवें चलना है इस नौ दरां नूं बंद करदिआं करदिआं सुन विच आपां बैठना। आओ करो कृपा। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु वाहिगुरु जी की फतेह। आप हुण जदों अभ्यास करदे करदे इस इलाके विच प्रवेश कर जांदे हां, पौन नूं छड गए, पौन नूं छड़दिआं छड़दिआं सुन विच ध्यान टिकाउणा शुरू हो गया साडा। इधर नूं जदों ध्यान साडा लग गया तो यह ज्ञान इंद्रियां अंतरमुखी हो जांदियां ने, पौन विच मिल के बाहर मुखी ने, पौन नूं छड गया अंतरमुखी। जिवें जिवें ध्यान अंतरगत हुंदा गया इस इलाके विच चले गए, इस इलाके दे विच बहुत सारियां धुनां चलदियां ने, बहुत सारे शब्द वज रहे ने, बहुत सारे तरह का नाम प्रगट हो रहा है। इत्थे तुहानूं सुनाई देण लग जाएगा, इत्थों दी गल कर देना। घर में घर दिखाए दे सो सतगुर पुरख सुजान, पंच शब्द तुनकार तुन ते बाजे शब्द निशान। उथों दी निशानी की है? शब्द, शब्द प्रगट हो गया, निशान प्रगट हो गया उत्थे, ते जिहड़ा वह शब्द प्रगट हो गया वह धुना दे रूप दे विच है। तार कोर बजंतर ते साच तखत सुल्तान, उत्थे फिर बहुत सारे घनकोर शब्दों की पैंदी है, बहुत ज्यादा शब्द ने, उन्हां दी पछाण कीती होई गुरमुखां ने। इस इलाके दे विच जदों मन प्रवेश हो गया, इह काल दे दायरे नूं छड गया, शब्द अंदर प्रगट हो गए अनहद, ते जदों अनहद शब्द प्रगट हुंदा है उत्थे फिर मन खुशी दे विच झूमदा है, नचदा है। ते जिस नूं पातशाह कहिंदे ने ये मन नाचे सतगुर आगे, अनहद शब्द धुन तूर वजाइया। पहला यहो मन इस इलाके विच हुंदा है, ये काल दे दायरे दे विच तमाशे विच लगा रहिंदा है। हुण मन ने इस इलाके नूं छड्ड दिता, शब्द नूं सुन रहा है ते खुशी दे विच झूमदा है, नचदा है। ये निशानी है किहो जिहियां धुनां सुणदियां ने उत्थे, रबाब पखावज ताल घुंगरू, अनहद शब्द वजावे तेरा जन निरत करे गुण गावे। उत्थे खुशी दे विच झूमदा है, नचदा है, शब्द प्रगट हो रहे ने। हुण ये जिथे चला गया इस इलाके नूं कहिंदे ने सुन, सुन विच चला गया है शब्द। हुण फिर आउंदे ने महाराज दे कोल, पुछदे ने भी इस इलाके विच प्रवेश कर गए ते बहुत सारियां धुनां सुनाई देंदियां ने, बहुत सारे शब्द सुनदे ने। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ,
हुण तुसीं इस शब्द दे नाल प्यार पाउणा है। जिस तरह तुसीं पाउण विच मिल के इस इलाके विच सफर करदे सी, हुण शब्द नूं पकड़ के तुसीं इस इलाके विच जाणना है। इस शब्द विच ध्यान धरना है, शब्द दे विच समाउणा है, इस शब्द का पिछा करना है, शब्द दे नाल जुड़ के रहना है। उथे फिर जदों असीं इत्थों उपर नूं चलना है, आ जिहड़ा इलाका जिहनूं गगन कहिंदे ने, इत्थों जदों शब्द नूं पकड़िया ते शब्द गगन दे विच जाके समाउंदा, इत्थे गगन दे विच ध्यान धरना शुरू कर देना जिथे सच है। आ सिर तों उपरले पासे चार उंगलां उपर सिर तों यह इलाका है गगन। जदों इत्थों शब्द बाहर निकलता है सुन विचों, आ सुखमन खुलदी है, आ सिर दे उपरले पासे जिहड़ी सुखमन नाड़ी है अपनी खुलदी है। जदों यह खुलदी है शब्द बाहर निकलता है। यह जदों शब्द इत्थे आके इकट्ठे वजदे ने पंज शब्द, जोत प्रगट हुंदी है। उहने तुसीं इह जोत विच ध्यान लाउणा शुरू कर देना है। ते किथे ध्यान लाउणा है? शब्द समावे बूझे हर सोई, क्योंकि सच की खोज ते चले हुए ने। सुन विच पहुंचे शब्द नूं पकड़िया, जिथे जाके शब्द समाए तो उत्थे ध्यान ला दिता। ज्यों ही शब्द विच समाए ने ते सन्मुख जिथे जाके शब्द समा रहा है उत्थे ध्यान लगा तो जोत प्रगट हो गई। देखिया उथे फिर प्रकाश है। तो फिर पूछे भी ऐसा दा प्रकाश नजर आउंदा है, उहदे किस तरह दा दसो। हुण बहुत सारे इत्थे होई जदों चलदे ने ना इस इलाके दे विच तां सारे ही चलदे ने। सारे तुहानूं कहणगे नाम जपो, सिमरन करो, कोई कहेगा राम करो, कोई कहेगा अल्लाह करो, कोई कहेगा वाहिगुरु करो, कोई कहे सतनाम करो, सारे कहणगे। कोई यह थोड़ी कहेगा भी नाम जपो, कहणगे सारे। हुण नाम जपदे जपदे जदों मन इस नूं छड्डेगा तां ध्यान दी अवस्था चलेगी, इत्थों रस्ता बदल जाएगा। जिहड़ा अनाड़ी संत होएगा वह ध्यान साडा माया दे विच लवा देगा। अनाड़ी संत की की निशानी है? उहनूं पूर्ण ज्ञान नहीं हुंदा। अनाड़ी संत जिहड़ा है वह इत्थे तुहाडा ध्यान लवा देगा मस्तक दे विच, शब्द देगा तुहानूं कोई ना कोई। ते पर क्या कहिंदे जदों तुसीं जपदे जपदे इत्थे ध्यान धर लिया जाए। हुण बहुत सारे इत्थे ध्यान तो धरा दिंदे ने ऐसे विच सेंटर विच, इत्थे माया प्रगट हो जाती है, इत्थों तत्तां दा प्रकाश शुरू हो जाता है। ते बाणी च फरमाउंदे ने उहनूं कहिंदे ने अनाड़ी संत। असंत अनाड़ी किश न बुझे, कथनी करे माया ते लुझे, अंध अग्ञानी कदे नसीजे। ओ अग्ञानी इत्थे नहीं पहुंचदा, ध्यान इत्थे मस्तक विच लग गया ते इत्थे माया प्रबल हो गई, तत्तां दा प्रकाश शुरू हो गया। किसे नूं हरे रंग दा प्रकाश, किसे नूं लाल रंग दा प्रकाश दिसण लग जाएगा, किसे नूं चिट्टे रंग दा प्रकाश नजर आ जाएगा पानी दे तत्त दा। क्योंकि इत्थे ये तत्त जिहड़े ने इस तरह चक्कर कटदे ने, इत्थे नाम प्रगट हो जांदा है अंदर। नाम दे दुआले पंज तत्त चक्कर कटदे ने, जिस तरह सूरज दे दुआले धरतियां चक्कर कटदियां ने, इसे तरह जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे। जिहड़ा तत्त भी अगे आ गया उहदा प्रकाश शुरू हो गया, वह कहेगा भी हाँ तुहानूं प्रकाश हो गया, भी देखो इहदे विच ध्यान लाओ, तुसीं जिहदे भी दर्शन करना चाहुंदे हो, अपने पीर पैगंबर दे, ऋषि मुनि दे, अपने किसी देवी देवते दे, वो ध्यान लाउणगे वो तस्वीर अगे आ जाएगी, वह कहणगे जी सानू दर्शन हो गए, कहिंदे बहुत वधिया हो गया। हुण ये नहीं पता भी ये माया का आकार उन्होंने देखना शुरू कर लिया, ये रस्ता बदल गया। इस तरह बहुत सारे लखां लोग जिहड़े ने वो फसे हुए ने,
ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੰਧਰਵ ਨਗਰੀ, ਮਾਇਆ ਜਾਲ, ਹਰ ਚੰਦੌਰੀ, ਹਰ ਚੰਦੌਰੀ ਭੇਖ ਭੁੱਲਣੇ ਬੂਠੇ ਨਗਰ ਗੰਧਰਵ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਤਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਤੇਜ਼ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਧਿਆਨ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਨੇਤਰ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਡੇ, ਧਿਆਨ ਉੱਪਰ ਚਲ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ? ਗਗਨ ਮੰਡਲ ਮੈਂ ਰੋਪੇ ਥੰਮ, ਐਨਸ ਅੰਤਰ ਰਹੇ ਧਿਆਨ ਤੇ ਬਰਾਗੀ ਸੱਚ ਸਮਾਨ। ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਰਸਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਸੁਣ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਸੁਣ ਕਹਿੰਦੇ। ਪੌਣ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੌਣ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਿਆਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੋਂ ਗਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਗਗਨ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ, ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋਗੇ, ਜਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਲ ਪੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਬਦ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਤਾਲੂ ਵੀ ਪਾਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਹੂ ਨਿਕਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਲੂ ਪਾਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੂਖਮ ਖੇਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲੈ ਕੇ, ਉਸਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਬੜਾ ਸੂਖਮ ਖੇਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਗਏ ਤਾਂ ਉਲਝ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਨੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ, ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਮ ਹੀ ਮੈਂ ਬਸੇ ਨਿਰੰਤਰ, ਨਾਨਕ ਦਰਪਣ ਨਿਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਚਮਕੀਲਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਰਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਲਾਇਆ, ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਇਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਵਿਸਮਾਦੀ, ਚਿੱਤ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲਗਾਏ, ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਦਾ ਰਹੇ ਨਿਰਾਲਮ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਬੁਲਾਏ। ਸਹਿ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਸਹਿਜੇ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਪਛਾਣੀਏ, ਨਿਰਭਉ ਜੋਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾਓ, ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜਦੇ ਖੋਜਦੇ, ਢੂੰਡਦੇ ਢੂੰਡਦੇ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੋਜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਖਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਢੂੰਡ ਢੂੰਡੇਂਦਿਆਂ ਹਰ ਸੱਜਣ ਲੱਦਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਚੱਲੇ, ਲੱਭ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਵਧਾਈ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਜੇਬ ਕਤਰਾ ਜੇਬ ਹੀ ਕੱਟ ਲਏ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਵਾਹਵਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਵਾਹਵਾ ਅੱਜ ਮਾਲ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੱਢ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਚਲ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਤੈਨੂੰ। ਉਹ ਇੱਧਰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜੀਵ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ।
जिस तरह हम आप देख रहे हैं संसार के विच अदर बड़ी कृपा होगी वधाई होवे तुहानू। हुण गुरमुख कित्थे जाके वधाई दिंदा है? आंदे ने गुरसिखा मन वधाइयां जिन्नी मेरा सतगुरु डिठा राम राजे आंदे तुहाडा जीवन सफल हो गया तुहानू वधाई होवे तुसी सन्मुख हो गए जिहड़ी खोज ते चले सी उह तुहाडा कार्ज सफल हो गया है आंदे गुरु ने कृपा कीती है। जे गुरु सानू ना दसदा असीं उत्थे पहुँच नहीं सकते। ये सारी वड्याई जिहड़ी है ये गुरु की वड्याई है ते कलयुग दे विच पूरा गुरु है श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी। इस करके जे कोई मिलना चाहुंदा है मालक नूं अपने सच की खोज करना चाहुंदा है तो उन्हूं श्री गुरु ग्रंथ साहिब गुरबाणी अनुसार चलना पएगा ते जे वह गुरबाणी के अनुसार चलेगा तो अपने मूल नूं सच नूं परमात्मा नूं मिल सकता है। तो इस करके कहिंदे ने गुरबाणी इस जग में चानण करम वसे मन आए। अपना इन्ना ही विषय है अज दा, इत्थे ही अपनी समाप्ति है क्योंकि मारे सच्चे पातशाह दस्सिया कि हुण आपां सारे खोजी हाँ ते खोजदे होए आपां इत्थों तक पहुँचना है। ये थोड़े जिहे शब्दां विच आपां समझण दा यतन कीता है। इसनूं बारा लंमेरा नहीं लैके जाना क्योंकि तुसीं दूर पहुँचना है सारिआं ने। इस करके इत्थे ही समाप्ति करदे हाँ ते गुरमुखां पासों आपां आनंद साहिब दी बाणी सरवण करिए। सो इस खेल नूं सारा भेद लैण वास्ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब गुरबाणी द्वारा आप प्रैक्टिकल करना है। उस वास्ते गुरमुखा वालों कोशिश की है कि जंडियाला गुरु विखे गुरद्वारा गुरु ज्ञान अंजन साहब विखे 5 दिन का सिमरन अभ्यास समागम रखा गया है। 26 दिसंबर तो लैके 31 दिसंबर तक जिस विच सवेर तो लैके 4 बजे तो लैके रात के 9 बजे तक निरंतर सिमरन अभ्यास गुरबाणी विचार चलेगी। रायश का उत्थे सारा है गुरमुखा ने प्रबंध किया होया है। अपना ही घर है तुहाडा सारिआं दा। सो जे आपां कुछ प्राप्त करना चाहुंदे हाँ तो कोशिश करो अपने समय विचों समा कढ़दे होए उत्थे पहुँचिए और सच की खोज ते चलते हुए अपने जीवन नूं सफल बनाइए ते सिख के अपने इलाकियां दे विच गुरबाणी का प्रचार करिए तां जो वध तों वध जीव गुरबाणी दे नाल जुड़ के अपने जीवन में सफल बना सकन। सो इन्ने विचार करदे खिमां दे जाचकां जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।